हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आज सुबह का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस तरह के आगे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। जिन लोगों का एग्ज़ाम कल है या 20 तारीख को, 21 तारीख को, यानी कि जिन जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है एनटीए नेट का, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जिन लोगों के अंदर इस बात का डर है कि कंप्यूटर पे पता नहीं किस तरह का एग्जाम होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत डर है, तो वो डर आप निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल आसान पेपर होगा, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे टीचर भी होंगे आपको समझाने के लिए, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको बता देंगे। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैंने पर्सनली पेपर दिया था तो मेरे को पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बताऊँ कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, यानी कि पहले जो एग्ज़ाम होता था वैसे ही अब एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें क्वेश्चन भी वैसे ही रिपीट हो रहे हैं जैसे कि पहले होते थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जिनसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन है वो बार 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 रिपीट होते हैं। तो आप ओल्ड पेपर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और कैसे रिपीट हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो रिसर्च के अंदर जैसे कि इथिक्स, मैंने बताया था, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि इथिक्स से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं। तो रिसर्च इथिक्स से एक क्वेश्चन आया था सुबह की शिफ्ट के अंदर, तो ये आप रिसर्च इथिक्स अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद जैसे कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें से क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन सेमिनार में से आया हुआ था और एक क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस में से आया हुआ था, तो ये अच्छे से आप कर लेना। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों वेरिएबल से, चर से। तो इसमें चर से क्या क्वेश्चन था, चर से ये क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर कौन किस तरह की शोध के अंदर यूज किया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद आया था दोस्तों एक डेफिनेशन पूछी गई थी कि शोध के बारे में डेफिनेशन पूछी गई थी, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि एक ऑप्शन दे दिया कि शोध का मतलब होता है बार बार रिसर्च करना, और शोध का मतलब होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर जांचना, और शोध का मतलब होता है परिकल्पना को सिद्ध करना। इस तरह से 4-5 ऑप्शन दिए थे और उनमें हमें देखना था कि कौन कौन से सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के ये दे रहे हैं। और अगले हम बात करते हैं जैसे कि रीजनिंग की, अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर जैसे आप सभी को पता है कि सीरीज आते हैं, तो इसके अंदर सीरीज आई थी और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन आए थे जो मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं। एक जैसे कि स्पीड का वो दिया हुआ था कि एक गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, इस तरह से वो दिया हुआ था। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जैसे डायरेक्शन का हो गया, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से कर लेना। और उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि आप सभी को पता है ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, तो इसमें भी ब्लड रिलेशन पूछा गया था सुबह की शिफ्ट के अंदर। और उसके बाद में जैसे चाल दूरी का मैंने बताया, वो पूछा गया था। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या पूछा गया था, एक वेन डायग्राम पूछा गया था। वेन डायग्राम के अंदर इन्होंने क्या पूछा था, जैसे कि वेन डायग्राम से संबंधित 4 से 5 चीज़ें इन्होंने दे दी थी, कि कहा था कि वेन डायग्राम से संबंधित बातों को टिक कीजिए, यानी कि उनको अलग कीजिए, ए बी सी किस कौन कौन सी बातें सही करती है। ठीक है, तो वेन डायग्राम के बारे में आप अच्छे से कर लेना। पीछे के जो ओल्ड पेपर है उनके अंदर पहले भी ये डिट्टो कॉपी क्वेश्चन पूछा हुआ है वेन डायग्राम का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम बात करें, तो इसके अंदर जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में पूछा गया था, आगमन और निगमन विधि के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद में जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, तो इसमें आपको पता है कि हर बार नया क्वेश्चन आता है और इतना मुश्किल नहीं था, आसान था,
और नॉर्मल कह सकते हैं हम, आसान था, कर सकते हैं इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आईसीटी के अंदर एक, जैसे आप सभी को पता है कि जैसे वो पूछते हैं फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसमें पूछा गया था यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ ली, फिर एलसीडी की पूछ ली, ठीक है, और फिर 1 GB दिया था कि 1 GB किसके इक्वल टू होता है। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें हमें यह बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो एलसीडी में क्या दिया हुआ था, उन्होंने लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले दिया हुआ था और रियल में होता लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता, तो जो रॉन्ग आंसर था वो एलसीडी था। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को ऊपर देखना कि उसमें कहाँ क्या गया है, क्या पूछा गया है, जो सत्य है वो पूछा गया है या असत्य है वो पूछा गया है, तो ये आप ध्यान से करना, क्योंकि कई स्टूडेंट ने ये किया है। यूएसबी जो सही था पहले ऑप्शन में उसी पे टिक कर दिया, बोले कि ये हाँ सही है, लेकिन उन्होंने ये पूछा हुआ था कि इसमें से गलत कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्यूपल एंड एनवायरनमेंट की। प्यूपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर एक तो ये पूछा गया था ओजोन, ओजोन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि ओजोन कौन सी गैस से प्रभावित होते हैं, किससे ज़्यादा खराब होते हैं, तो इसी के बारे में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आप कर लेना। अब देखिए दोस्तों मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, जो आपको मैं पूरा एक एक मैं बता दूँ, जो मेरे को रिमाइंड है, जो मेरे को याद है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीबी यानी कि लेड शीशा, शीशा से किस तरह की बीमारियाँ होती है, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो उन्होंने पूछे हुए थे। चार ऑप्शन दे दिए थे, चार ऑप्शन में हमें बताना था कि इनमें से कौन कौन से प्रभाव होते हैं वो हमें बताने थे। तो ये सभी चीज़ें आप कर लीजिएगा दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सुनामी से रिलेटेड पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि 2004 के अंदर प्राकृतिक आपदा आई थी सबसे बड़ी साउथ एशिया के अंदर, वो कौन सी थी वो हमें बताना था। और उसके बाद में जैसे हायर एजुकेशन में से पूछा गया था कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, उसका प्रमुख कौन होता है वो हमें बताना था, तो वो आप देख सकते हैं, आप देख लेना कौन होते हैं, शायद वाइस चांसलर होते हैं, मैं तो यही करके आया था। और उसके बाद में पूछा गया था कि जो यूनिवर्सिटी की जो गुणवत्ता वगैरह होती है, यूनिवर्सिटी का रख रखाव और मैनेजमेंट वगैरह जो सब कुछ होता है वो किसके पास होता है, इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि नीति आयोग दिया था, UGC दिया हुआ था, और लेकिन NAC नहीं दिया था इसके अंदर, NTA भी नहीं दिया था, तो मेरे हिसाब से इसमें से आंसर आना था UGC आना था, तो आप इस तरह की चीजें देख लेना। और एक चीज और, जैसे करंट की अगर हम बात करें तो करंट का मेरे को कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं लगा, मैंने जब एग्जाम दिया तो करंट का काफी कम पूछा गया था। और एक आईसीटी के अंदर एक चीज और पूछी गई थी, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये पूछा था कि एक जैसे DVD-R और एक DVD-RW होता है, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। DVD-R का मतलब होता है रीडेबल ओनली मेमोरी, ठीक है, यानी कि एक बार उसे रीड कर सकते हैं, एक बार कुछ डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल सकते। और DVD-RW का मतलब होता है कि बार बार उसे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आईसीटी में यह आया हुआ था कि लैन, वैन और मैन तीनों दे दिए थे, इनको हमें क्रम वाइज लगाना था, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान में रखना और ये सीक्वेंस याद रखना। और एक क्वेश्चन आया था आईसीटी के अंदर इनपुट इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा हुआ था, ABCD ऑप्शन दे दिए, ए ऑप्शन में 5 चीज़ें दे दी, बी में 5 दे दी, इस तरह से 5 5 चीज़ें दी हुई थी चारों ABCD के अंदर, उनमें हमें बताना था कि कौन से ऑप्शन में ऐसी डिवाइसेज है जो केवल इनपुट डिवाइसेज है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर इसके अंदर देखा जाए तो वही चीज़ें पूछी गई जो बार बार पीछे के एग्जाम में पूछी गई है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने एक PDF बना रखी है सन 2012 से लेकर जुलाई 2018 तक की, और इसके अंदर हमने रिसर्च से आज तक जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग करके हैं, टीचिंग से जो आए हैं वो अलग करके हैं, और ICT से जो आए हैं वो अलग करके हैं। इन सभी को आप देख के बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और कौन से रिपीट हो रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वो PDF चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप हमारी वेबसाइट nimmiji.net से भी काफ़ी तरह के नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।